हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने वादा किया था आपको अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि हम आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे। पर्सनल जो हम एडिटिंग करते हैं वही आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि हम एडिटिंग कैसे करते हैं। तो फटाफट से आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाए हो तो चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कोई नए क्रिएटर और आपको चैनल क्रिएट करने के बाद आपको YT स्टूडियो जो आपका एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताना सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका YT स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर चले जाना है। आपको अपने YT स्टूडियो पर एप्लीकेशन पर चले जाना है। यहाँ आपको प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, ऊपर यहाँ आप प्लस वाला आइकन देख सकते हो, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपकी वीडियो होगी आपको वो अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा एक पेंसिल का आइकन, पेंसिल वाला आइकन मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना थंबनेल लगा सकते हो, आपको जो आपने जो थंबनेल बनाया है वो आप थंबनेल लगा सकते हो अपना। थंबनेल लगाने को आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपना टाइटल लिखना है, जो आपका टाइटल होगा। जेल की रोटी, उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन भी आपको पूरा फिल कर देना है। पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ जो विजिबिलिटी है वो आपको अनलिस्टेड लिखनी है ताकि और आगे प्रोसेस हो सके। उसके बाद ऑडियंस आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यानी बच्चों के लिए नहीं करना है। और यहाँ सॉल्ट आपका अलाउ होना चाहिए। कमेंट्स आपको यहाँ ऑन कर देने हैं, अपने कमेंट्स आपको जो कमेंट होगा आपको ऑन करना है। ऑन करने आपको यहाँ अपनी वीडियो सीधे अपलोड कर देनी है। आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको अपलोड हो जाने के बाद आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करना है वापस से। आपकी वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको ऊपर पेंसिल वाला आइकन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, अगला प्रोसेस आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिख सकते हो, तो आप इसके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन आपको बताया था पिछली वीडियो में। आपको बैक जाना, बैक जाने के बाद आपको जो हमने वीडियो एप्लीकेशन के बारे में बताया था #you, आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये लोड होता है 100% पूरा। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऐड आएगा आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोबारा एक ऐड आएगा, इसको भी आपको कट करना है। ऑफर्स आते हैं, यहाँ आपको लीव एंड डिस्कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ही ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ ऐड भी चलते रहते हैं लगातार, आपको उस पर कोई ध्यान नहीं देना। आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा फाइंड कॉम्पिटिटर, सॉरी गलती से गलत दब गया, तो यहाँ आपको देखना फाइंड कॉम्पिटिटर, आपको इसी पर क्लिक करना है। आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, आप जिस तरह की वीडियो बना रहे हो आपको उसको यहाँ पर डाल देना है। हम डाल देते हैं, जैसे कि तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमने क्लू दिया था उसके हिसाब से हमारे यहाँ कुछ 5 टॉप सर्चेबल वीडियोज के टैग्स यहाँ हमें दिखाई दे गए हैं। तो इसी में से हमें एक कोई सा भी कॉपी करके अपने YT स्टूडियो में पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको एक क्लिक करना है, वापस हमने वहाँ पे जाके ऐसे करके पेस्ट कर देना है अपने टैग्स में। यहाँ आपको मोर ऑप्शंस मिलेगा, मोर ऑप्शंस में आपको यहाँ सो मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको एडिट टैग पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद से क्लिक करना है, ऐसे आपको सारे टैग्स वहाँ आपको क्लिक कर लेने हैं, पेस्ट कर लेने हैं। पेस्ट करने के बाद आगे प्रोसेस उसको बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे टैग्स लगा लिए हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आपको यहाँ क्या करना, डिस्क्रिप्शन पर चले जाना। डिस्क्रिप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ सब कुछ आपको ऐसे इसी तरीके से जो आपने टैग्स लगाए हैं उसी को आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिख देना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, जो आपकी वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको जिस टाइम पर अपलोड करना है यहाँ पब्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। पब्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है एकदम सर्च में जाने लगेगी, उसमें आपको सेव कर देना है।
तो आप रिएक्शन देखना आप अपनी वीडियो के डालने के बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद आप अपने वीडियो को व्यू चेक करिएगा, टॉप में एकदम व्यूज जाएंगे। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमेशा अपनी वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अलग अलग तरह की वीडियो मिलती रहेंगे आपको हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ये लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तब तक लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अलग अलग तरह की वीडियो मिलती रहेंगी आपको।